एनआईए की टीम भागलपुर पहुंची है। बरारी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर शंकर यादव के घर पर एनआईए की टीम 14 घंटे से छापेमारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड रांची के गैंगस्टर अमन साहू का पैसा भागलपुर में खपाता था प्रॉपर्टी डीलर शंकर यादव। मिली जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर शंकर यादव के घर से 1,32,00,000 कैश के साथ कई प्रॉपर्टी के कागजात और जेवरात बरामद हुए हैं। वहीं एनआईए की टीम प्रॉपर्टी डीलर शंकर यादव को गिरफ्तार कर सकती है। भागलपुर के एक सरकारी विद्यालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें निर्धारित प्रार्थना के बजाय कलमा पढ़ाया जा रहा है। वीडियो को देखकर आप दंग रह जाएंगे। वीडियो भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत उर्दू मध्य विद्यालय पैठनपुरा का है। वैसे वायरल वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है। वहीं इस कलमा पढ़ाते हुए बच्चे के वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि यह वीडियो कहीं से सही नहीं है। जिसने भी यह वीडियो कलमा पढ़ते हुए बनाया है, वह दूसरे शिक्षक के प्रति गलत भावना से बनाया है। कहलगांव के इस विद्यालय में कोई भी हिंदू छात्र छात्राएं नहीं है। प्रार्थना सभा में बच्चों से पूछा गया था कि कलमा किस किस को आता है। इसी दरमियान बच्चों ने कलमा को एक साथ समूह में बोला और इसका वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया। इतना ही नहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने यह भी कहा, अगर बच्चे असेंबली में प्रार्थना की जगह कलमा पढ़ रहे हैं तो कलमा पढ़ाना कोई गुनाह नहीं है, वह भी एक प्रार्थना है। नहीं, कलमा नहीं पढ़ा जाता है। ऐसा है कि उस विद्यालय में ऐसे कि जो प्रार्थना गाई जाती है चेतना सत में, सूरज की किरणें पे नाज करे करके है प्रार्थना, वो गाई जाती है। उस दिन हेडमास्टर जो बाबर खान था, वो संजोग से विद्यालय में नहीं था। विद्यालय में एक दूसरे टीचर थे, उन्होंने ऐसे बच्चों से ऐसे कि पूछा कि क्या तुम लोगों को कलमा ऐसे कि आता है। चूँकि चेतना सत्र का ऐसे कि समय था, बच्चों ने ऐसे कहा कि कलमा ऐसे कि आता है। वो ऐसे कि सुनाए हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड का, 14-15 सेकंड का मात्र है। उसको रिकॉर्ड करके ऐसे कि हेडमास्टर के विरुद्ध कार्रवाई करने के थी को लेकर के वो षड्यंत्र के तहत उसको ऐसे वायरल किया गया है। ये जो मतलब कि जिसको आप लोग कह रहे हैं वायरल हो रहा है, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। दिखाई पड़ रहा है 2 मिनट कुछ सेकंड का? नहीं नहीं, ऐसे कि हमने जांच करवा ली है, वो बिल्कुल ऐसे कि बेबुनियाद है। वो चेतना सत्र में ऐसे कि प्रार्थना पढ़ा जाता है, और ऐसे मैंने यह भी ऐसे कि ये करवा लिया है, उस विद्यालय में ऐसे कि कोई भी ऐसे कि हिंदू बच्चे भी नहीं है, और कलमा का मतलब ही ऐसे भी प्रार्थना ही होता है। कलमा का मतलब, लेकिन कलमा पढ़ाया तो नहीं जाना चाहिए? प्रार्थना ऐसे कि पढ़ाया जाता है, कलमा नहीं पढ़ाया जाता है। मैंने जांच करवाई है। लेकिन आप बोल रहे थे सर कि कलमा का मतलब, मतलब प्रार्थना, मैं बता रहा हूँ आपको, कलमा का मतलब मैं बता रहा हूँ। कलमा का ऐसे कि हिंदी में ऐसे प्रार्थना कहते हैं और अंग्रेजी में प्रेयर कहते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। तो धर्म विशेष के लिए ना कलमा है? नहीं, प्रार्थना है से कि कलमा का मतलब है से प्रार्थना है। अब धर्म विशेष के लिए से सब तो अब बाहे कोई बाहे गुरु जी का प्रार्थना करता है। हम लोग ऐसे कि अपने धर्म के लोगों का ऐसे प्रार्थना करते हैं, और चर्च में ऐसे ईसा मसीह का ऐसे प्रार्थना करता है। भागलपुर की सुल्तानगंज जहाज घाट पर नाव के समीप एशिया का सबसे खतरनाक सांप रसल वाइपर मिला। रसल वाइपर मिलने से जहाज घाट पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी सा मच गया। नाविकों के द्वारा खगड़िया प्रवत्ता के नया गांव निवासी रेस्क्यूअर गौतम कुमार को फोन कर बुलाया गया, जिसके बाद गौतम के द्वारा बिसेले सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया।
पुराना है, यहाँ से देखिए गंगा का घाट है, रेतीले रेत में यहाँ कहीं से भटकते हुए यहाँ पे आ गया और यहाँ पे धूप अभी ठंडा के सामने ठंड की फल फूल दिख रही थी। और यहाँ पे जो स्थानीय नाविक है उनके द्वारा सूचना मिली थी, हमारा अजगर का बच्चा, लेकिन अजगर का बच्चा ये नहीं है, ये रतेल वाइपर है जो कि एशिया का सबसे खतरनाक सांप है। और इसका जहर जो होता है इतना खतरनाक होता है, हीमोटॉक्सिन जहर इसमें होता है, अगर किसी को ये छू ले तो सोचिए बहुत कम समय में उनको या तो हाथ अगर चिकनेट अगर हो जाए तो हाथ या कटवाना पड़े या तो दुनिया ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इसलिए जितने भी आप देख रहे हैं इस सांप को अजगर समझने का भूल ना करें, बहुत ही खतरनाक सांप, ये कुकर की तरह सीटी मारता है। ये देखिए मैं टच कर रहा हूँ, ये अभी आक्रमण के मूड में है, देखिए ये बहुत ही जंप करने की तरफ चार फीट जंप करता है। हाय के लिए अला कपड़ा क्या करेगा नाम हुआ सर आप बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर शहर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने इंजीनियरिंग कॉलेज में बन रहे इंटेक वेल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सिंक का काम थोड़ा बच गया है, जल्द ही 1 से 2 महीने में पूरे शहर को शुद्ध पानी मिलना शुरू हो जाएगा, काम तेजी से हो रहा है। इससे पहले भी इसका निरीक्षण किया था, काफी काम प्रगति पर है, उम्मीद है शहरवासी जल्द ही शुद्ध पेयजल का प्रयोग इस इंटेक वेल से कर पाएंगे। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हम आए, यहाँ से इंटेक वेल बन चुका है, उसका अभी और थोड़ा सा बाकी है सिंक होना, थोड़ा टाइम उसमें लगेगा, वो जब बन जाएगा तो हमको लगता है कि मई जून तक बोले हैं कि पूरे शहर को यहाँ का गंगा जल मिलेगा, एकदम शुद्ध पानी मिलेगा, कोई उसमें किसी तरह की बदबू और कहीं से कोई दूषित पानी नहीं मिलेगा। तो इन लोगों का हमने देखा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट काम कर रहा है, अभी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, पिछले बार भी हम आए थे तो पिछले बार की तुलना में अभी बहुत काम डेवलप हो चुका है और 1-2 महीना में ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा और हमारे शहर को पानी मिलने लगेगा। भागलपुर के कचहरी चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब भोजन पॉकेट के लिए राजद की महिला कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गई। दरअसल राजद महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष सीमा जायसवाल के नेतृत्व में भागलपुर रेलवे स्टेशन से कचहरी चौक तक धन्यवाद यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान महिला कार्यकर्ता जब कचहरी चौक पहुंची तो भोजन पैकेट के लिए आपस में ही भीड़ पड़ी, जिससे कचहरी चौक पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गया, ये लगता है कि महिलाएं भी काफी राजनीति में जागरूक हो गई हैं। इन महिलाओं को अब तो अपने अधिक आज इस रैली का मुख्य उद्देश्य है, जो
पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी को हम सब धन्यवाद दे रहे हैं और धन्यवाद यात्रा निकाले हम लोग भागलपुर स्टेशन से संग्रहालय तक। इसमें जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी कि बिहार के विभिन्न क्षेत्र में वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, आंगनबाड़ी हो, टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, सभी क्षेत्र में उन्होंने जॉब देने का, नौकरियां देने का काम किया है, जो आप सब भी पूरे देश ही नहीं पूरा दुनिया इस बात को देखी है, इस उपलब्धि को देखे है कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में उन्होंने नियुक्ति पत्र दे करके बिहारवासी को गौरवान्वित किया है। और बरसों से जो शिक्षक के लिए बीएड एमएड करके नौकरी के लिए त्राहीमाम थे, जो लाठियां खाई थी, पुलिस की लाठियां पड़ी थी जिन लोगों पर, उन लोगों को नियुक्ति पत्र दे करके गौरवान्वित किए हैं और बिहार में आज नौकरी का बौछार हुआ है। इस उपलक्ष्य में हम महिला प्रकोष्ठ की ओर से और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की जो जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की सीमा जायसवाल जी है, इनके नेतृत्व में आज हम लोग धन्यवाद यात्रा निकाले हैं। हम लोग आज महिला मोर्चा की रैली भागलपुर स्टेशन से समाहरणालय तक निकाले हैं और ये रैली है धन्यवाद तेजस्वी जी। 17 साल बनाम 17 महीना, 17 साल में जो एनडीए की सरकार जो अभी भी बिहार में है, 17 साल में जो काम नहीं कर पाया था उसको महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में कर दिखाया, इसी के लिए आज हम लोग रैली निकाले हैं। धन्यवाद तेजस्वी जी। तेजस्वी जी को धन्यवाद हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि विगत आज 17 साल में हमारे जो शिक्षाकर्मी भाई हैं, पटना के सड़कों पर लाठी खाते खाते पीठ में दाग उठ गया था और जब तेजस्वी जी आए तो उसको राज्यकर्मी का दर्जा दिलवाए, उसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड कायम होगा कि बिहार ऐसा राज्य है जहां एक दिन में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला। बिहार में प्रत्येक विभाग में, चाहे पुलिस विभाग हो, दरोगा की बहाली, आरक्षी की बहाली, स्वास्थ्य विभाग हो उसमें स्वास्थ्य एनएम की बहाली, चाहे नगर विकास मंत्री के रूप में नगरों में ड्रेनेज की व्यवस्था करना, ऐसे पर्यटन के विभाग में पर्यटन को बढ़ावा देना, आईटी विभाग में आईटी सेल को विभाग बढ़ावा देना, ये रैली स्टेशन चौक से हम लोग समाहरणालय परिसर तक निकालें और यहाँ आकर के हम लोग जो है जिला समाहर्ता के यहाँ हम लोग ज्ञापन दे करके रैली का समापन किए। मेरा नाम चंद्रशेखर प्रसाद, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर।